अब आपको हिंदुस्तान के ऐसे समुद्री रक्षक से मिलवाते हैं जो लहरों पर अपने पराक्रम से दुश्मन को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज इसका परिचय जरूरी है क्योंकि इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस समुद्री रक्षक का नाम है मातंगी। मातंगी देश में निर्मित पहली ऑटोनॉमस सर्फेस बोट है। मतलब ये कि ये बोट बिना किसी चालक, बिना किसी ड्राइवर के अपने मिशन पर जा सकती है। पहले पड़ाव में इस बोट ने 600 किलोमीटर का सफर ऑटोनॉमस मोड में पूरा किया है। अभी इसे तुतिकोरिन तक के 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये बोट सागरमाला परिक्रमा के तहत मुंबई से तमिलनाडु के तुतिकोरिन तक का 1500 किलोमीटर का सफर बिना किसी चालक दल के पूरा करेगी। इसका प्रयोग निगरानी और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। एक भारतीय स्टार्टअप ने मातंगी का निर्माण किया है। कंपनी ने पहले भी वरुण नामक मानव वाहक ड्रोन विकसित किया था जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वरुण ड्रोन 130 किलोग्राम तक का भार उठाने और 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। मातंगी जैसी ऑटोनॉमस बोट्स के शामिल होने से भारतीय नौसेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। ये बोट्स समुद्री सीमाओं की निगरानी, गश्त और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उपयोगी होंगी। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्वावलंबन 2024 प्रोग्राम के दौरान नौसेना के सागरमाला परिक्रमा की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम में बिना चालक दल की ये बोट भी शामिल थी। भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में ये एक बड़ी उपलब्धि है। मातंगी बोट को वैसे तो निगरानी और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, लेकिन दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता भी इसमें है। आपको बताते हैं, मातंगी बोट की ऐसी कौन सी खासियत है जिससे दुश्मनों को सावधान रहने की जरूरत है। इस बोट में कई ऐसे हथियार लगाए गए हैं जो इसे आक्रामक अभियानों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। मतलब ये कि आवश्यकता पड़ने पर मातंगी बोट दुश्मन पर हमला भी कर सकती है। ये एयर ड्रोन से लैस है। इसके अलावा 7 अंडरवाटर ड्रोन भी इस बोट में होते हैं। एयर ड्रोन इसकी रेंज को हवा में बढ़ाते हैं जिससे निगरानी में आसानी भी होती है और टारगेट पर अटैक भी संभव है। मातंगी बोट में उच्च तकनीकी सेंसर और हथियार प्रणाली भी होता है जिसके जरिए ये दुश्मनों पर आक्रमण कर सकती है। ये बोट भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और दुश्मनों की चिंता क्यों बढ़ाने वाली है, आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में ये देखिए। मातंगी बोट देखिए भारतीय नौसेना की पहल पे बनाया गया है। 12 से ज़्यादा बोट्स की जरूरत रखी थी नेवी ने पिछले साल, जिसमें से 10 वो नेवी के लिए और 2 सेना के लिए। इसमें रडार लगा है, जीपीएस लगा है। अगर जीपीएस फेल हुआ तो हमारा भारत निर्मित नाविक सिस्टम भी लगा है। ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम है, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, नाइट कैपेबल है। इसमें 12.7 SR गन्स भी लगे हैं जो डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकते हैं। और इसमें ड्रोन्स भी हैं, एक ऑटोमेटिक ड्रोन भी है जो इससे लॉन्च किया जा सकता है एरियल व्हीकल के रूप में। अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं, एक तरह से स्वार्म कर सकता है ये दुश्मनों को, बड़े शिप्स के आगे रख के फ्रंट लाइन डिफेंस दे सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, इंटीग्रेशन कर सकता है। सर्वेलेंस के अलावा सिविल एरिया में भी बैटरी थर्मोग्राफी हुई या कोस्टल, ये जैसे हमारे अंडर वाटर जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको करते हैं, सर्वे करते हैं, हाइड्रोग्राफी के कामों में भी इसका यूज हो सकता है। सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।